प्रातरंजन बच्चों, शे मुशी द्वितीय भाग दशम वर्गाय कक्षा दसवीं की आज हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कक्षा दसवीं शे मुशी द्वितीय भाग उसके पाठ जो है द्वितीय पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ये है पाठ दो, बुद्धिर बलवती सदा। सदा बुद्धि ही बलवान होती है, ये शुभ सप्तति से संग्रहित है और ये तथा। यदि किसी चीज में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल या बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि को नहीं लगाएंगे, तो हमारा वो कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। तो बुद्धि माने समझदारी, बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना, समझदारी से काम लेना। तो आज हम इसी के विषय में, इस पाठ के विषय में ये कथा है और इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चों आप भी इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। पाठ का बड़ा परिचय बताती हूँ। प्रस्तुत यह पाठ शुक सप्तकवि कथा ग्रंथ का संपादन करके संग्रहित है। इस पाठ के अंश में अपने दो छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर की ओर जाती हुई बुद्धिमती, क्या नाम बता रही हूँ मैं, बुद्धिमती कौन सी महिला, बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डरा कर वहां से भगा देती है। यह कथा नीति निपुण शुक और सारिता की कथा के माध्यम से सद्गति के विकास के लिए प्रेरित करती है। यदि आप किसी मुसीबत में है, यदि आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो गई है और आप किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं या उस समस्या को हल कर सकते हैं, आज हम इस कथा के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि इसमें बताया कि बुद्धिमती नाम की महिला ने किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और किस प्रकार से बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी कौशल, बुद्धि कौशल का परिचय दिया उसने, अपनी बुद्धि कौशल का उसने परिचय दिया, तो आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। देवलाख्यो ब्रह्मा तत् राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पुत्र द्वयो प्रीता पितुर्ग्रह प्रति चलिता। जो बुद्धिमती महिला थी वो अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर, मतलब आवश्यक कार्य होने के कारण पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कार्य में सा एकम व्याघ्र, उसको बहन मार्ग, मतलब गहन कार्य भी माना था जंगल है ना, व्याघ्र से सा व्याघ्र आगच्छतम दृष्ट्वा धाश्रया पुत्रौ चपेत्या प्रहत जगा कथा कथमे कई कशो व्याघ्र भक्षणाय कथम कुरुता। आयवेकास्ता बध विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कश्य चिल्लस लक्ष्यते। देव लाख्य मैंने देवला नाम, तस्य उसकी भार्या पत्नी पुत्र द्वयोपेता दोनों पुत्रों के साथ उपेता के साथ में युक्त ग्रह काने घने जंगल व्याघ्र बाघ ऋषे ददर्श देखा आगच्छतम आते हुए दृष्टवा यह देख करती धार धिटाई से है ना चपेट यानी थप्पड़ से प्रहत मार कर जगा कहा कथमे कर्तैषः, क्यों एक एक भक्षणाय खाने के लिए कला झगड़ा कुर्ता कर रहे हो,
अयमे का यह एक हालो अन्य और कश्चित कोई लक्ष्य थे ढूंढा जाएगा या देखा जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। अनुवाद समझिए। देवला नामक एक गांव था, वहां राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चली। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। उसने बाघ को आता हुआ देखकर, देखिए इसने वहां वो डरी नहीं, आता हुआ देखकर ढिटाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार के कहा, क्या एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? ऐसा डरी नहीं वो, उसने ऐसा अपनी बुद्धि का उपयोग किया और एक एक थप्पड़ मारा और कहा कि खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, यह एक ही है अभी, इसे बांट कर क्या कर लो, खा लो, बाद में कोई और दूसरा ढूंढा जाएगा। और जब वो ये बोल रही होगी तो वो जो बाघ था वो क्या कर रहा था, सुन रहा था। इसलिए उस महिला ने, जो बुद्धिमती नाम की महिला है, उसने यहाँ पर अपनी बुद्धिमानी का क्या किया, प्रयोग किया। अभी इसे बांट कर क्या कर लो, खा लो, बाद में कोई और दूसरा ढूंढा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, ये बुद्धिमती नाम की ये महिला है ना, उसके एक पुत्र ये है और एक पुत्र ये है, और ये घना जंगल है और यहाँ पर क्या है, बाघ है। इस प्रकार वह घने जंगल के रास्ते से अपने पिता के घर जा रही थी किसी आवश्यक कार्य से, और रास्ते में उसने किसको आता देखा, बाघ को आता देखा, तो उसने अपने दोनों ही पुत्रों पे थप्पड़ लगाया और कहा कि अभी एक बाघ दिखा है, लड़ो मत, इसी को मार के, मतलब आधा आधा बांट के खा लो, ऐसा उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् दियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी। अन्यमपि बुद्धि बुद्धि मान लो के मुच्यते महतो भया भयाकुलं व्याघ्रा दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त शृंगालः हसन्न भवान् उद्भया पालितः। अन्वय सामा यहाँ पर समझिए, सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भवान् विमुक्ता लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भया मुच्यते। शब्दार्थ शुद्धत्व माने सुनकर, जैसे मैंने आपने कहा कि जब वो बोल रही होगी, बुद्धिमती ने जब बोला तो वो शेर था वो सुन रहा था, तो सुनकर व्याघ्र मार बाघ को मारने वाली अरे काचिल कोई यम यह मत्वा मानकर नष्ट भाग गया। भामिनी रूपवती स्त्री निज बुद्ध्या अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्ता मुक्त हुई, दृष्टवा देखकर श्रृंगालम स्या क्या बोला, आ बोला, आ बोला पुत्र मैंने कहां से पाली था भागा हो। जब शेर को आता देखा तो श्रृंगाल ने जब सियार तो उसने कहा अरे तुम ऐसे डर के कहां से भाग आए हो, ऐसा उन्होंने कहा। हिंदी अनुवाद समझिए। यह सुनकर कि यह कोई बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर शेर बाघ डर से परेशान मन वाला होकर क्या किया, भाग गया। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा व्याघ्र के भय से क्या हो गई, मुक्त हो गई। संसार में दूसरे भी बुद्धिमान लोग बड़े बड़े भय से छूट जाते हैं। डर से परेशान बाघ को देखकर किसी दूत श्याम ने हंसते हुए कहा, आप कहां से डर के मारे भाग आए हो। जैसे कि इसमें समझाया गया है कि यदि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि समझदारी से यदि काम लेते हैं, तो बुद्धिमान लोग बड़े बड़े भय से छूट जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बुद्धिमती महिला ने किया कि शेर भी जो है उससे क्या हो गया, डर गया, शेर भी डर के मारे भयभीत हो गया कि क्या ये जो महिला है वो बाघों को मारने वाली है, ऐसा उसके मन में आया। इस प्रकार यहाँ पर आपको ये समझाया गया है
कि जब भी कोई समस्या हो तो यहाँ पर इस प्रकार फिर यहाँ पर व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्भुक त्वमपि किंचित् भूर प्रदेशम यतो व्याघ्र मार्ग या शांते श्रूयते तयाम हन्तुम् आरब्ध परम रहित कर जीवतो नष्ट शीघ्र तद्व्रता शृंगार व्याघ्र त्वया महत् कोपम् आवेदितम् यन् मानुषादपि विभेषी व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्मुत पुत्र विवेक कैकशो माहुत्तम कलहा कलह कलहाय मानव चपेटिया प्रहंति दृष्टा मैंने कुछ देखा जम्बुका स्वामिना यत्रास्ते साधुता तत्र गम्यताम व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख सम्मुख मपि पिक्षते यत् यदि तहिं द्वाया अहम् अन्तव्या इति व्याघ्र शृंगारः यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्रिय वेलास्य अभी यहाँ पर जो जम्बुका श्यार है इसको जम्बुका श्यार के लिए गुण प्रदेश गुप्त प्रदेश स्थान पर या तो इसको की श्रुति सुनी जाती है तया हम उसके द्वारा हंतु मारना रहित कर जीविता यानी हथेली पर प्राण रख करके तद्व्रता उसके सामने से महत् कौतुकम बड़ी हंसी की बात है आवेदन बताए विभेषी डरते हो मैं मेरे द्वारा तथा सामने से प्रत्यक्षम सामने से सात सात पुत्र भाई अपने दोनों पुत्रों को एक एक ही कशा यानी एक एक करके माँ मुझे अब तुम खाने के लिए है ना कल हाय मानो झगड़ा करते हुए कलह करते हुए दोनों को प्रहारती मारती हुई और इच्छते देखती है छोड़कर मुक्तवा मुक्तवा छोड़कर यासी जाते हो बेला चर तहे यानी तो ये हुए इसके शब्दार्थ बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी जाती है उसके द्वारा मुझे मारना आरंभ किया गया परंतु हथेली पर प्राण रखकर जल्दी से उसके सामने से भागकर आया हूं तो श्यार क्या बोलता है अरे बाघ तुमने बड़ी हंसी की बात बताई है कि तुम मनुष्य से भी क्या करते हो डरते हो ये तो बड़ी हंसी की बात है कि एक मनुष्य ने आपको क्या कर दिया डरा दिया बाघ मेरे द्वारा सामने से ही वह अपने दोनों पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए थप्पड़ मारती हुई देखी गई है अरे श्यार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और इन कानों से क्या किया है सुना है कि वह अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर के इस बात पे वो उसके दोनों पुत्र झगड़ा कर रहे थे और उसने उसको थप्पड़ भी मारा कि नहीं एक ही बात को दो भाग करके खाओ अभी झगड़ा मत करो फिर जब दूसरा आएगा तो देखेंगे ऐसा मैंने खुद उसको थप्पड़ मारते हुए देखा है और मैंने अपने कानों से ये इस बात को क्या किया सुना है या स्वामी जहां वह ढूंढता है वहां जाओ हे बाघ तुम्हारे सिर से कहाँ जाने वहां जाने पर यदि मैं सामने भी देखी गई तो तुम मुझे मार सकते हो क्या क्या बोलते स्वामी जहां वह ढूंढता है वहां जाओ हे बाघ तुम्हारे फिर से वहां जाने पर यदि वह सामने भी देखती है देखें तो तुम मुझे क्या कर सकते हो मार सकते हो ऐसा नहीं कहा बाघ ने क्या कहा यदि तुम मुझको छोड़कर जाओगे तो शर्त भी शर्त नहीं रहेगी ध्यान रखना यदि तुम मुझको छोड़कर जाओगे तो जो शर्त भी है वह शर्त नहीं रहेगी इस प्रकार का जो आपस में श्यार और बाघ का जो संवाद है वह चल रहा है
क्या कि भाई वो जो महिला है वो भी पढ़ाया बुद्धिमती वाला, किस प्रकार से अपनी बुद्धि समझदारी से काम लेना चाहिए। आप इसके इसका जो और अंश पाठ का वो मैं आपको आगे और पढ़ाऊंगी, तब तक आप इसको घर पर पढ़िए और अपना जो कॉपी है रजिस्टर उसमें जो भी आपने बनाया है उसको आप उसमें लिखिए और जरूर पढ़िए बेटा। और इसमें ही क्वेश्चन आंसर आगे आपको और बताए जाएंगे, तो आप वो सब भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद बेटा।